हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्यूटर से फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत लोगों दोस्तों यहां पर सवाल कर रहे थे कि सर, हम कंप्यूटर से अपना कोई भी फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं, एडमिट कार्ड कैसे चेक करते हैं, कोई भी लेटेस्ट जॉब है उसको कैसे चेक करते हैं, और कैसे अपने फॉर्म को फिलअप करना है, चाहे एडमिशन का हो या कोई आपका नौकरी का हो, कोई भी फॉर्म फिलअप कैसे किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने वीडियो डाल रखा है, वहाँ से आप कंप्यूटर से देख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपके सामने लाइव ये बात शेयर कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं आपको पूरी समझ आएगी कि कैसे अपने कंप्यूटर से घर बैठे ही कोई भी फॉर्म एडमिशन कुछ भी का आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सभी लोग को यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में, यहाँ पर onlinesubmit.com जो वेब लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट में ही ऑनलाइन सबमिट, सबमिट में याद रहे कि डबल टी होनी चाहिए। देख सकते हैं, गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com, सबमिट में याद रहे कि डबल टी आपको लास्ट में टाइप कर देनी है। जो पहला वाला वेबसाइट शो करेगा उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर हर एक तरह की कैटेगरी बनाया गया है, जैसे कि रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब, हर एक तरह के न्यू अपडेट। दोस्तों, उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दिया गया है, और वीडियो पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लाइव बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले हमारा जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग इसको समझ लीजिए। तो चलिए मैं इस टॉपिक पर आता हूँ कि कंप्यूटर से फॉर्म को कैसे भरते हैं। दोस्तों, जिस तरीका से क्या करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, या कोई भी तरह तरीके के सोशल साइट चलाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। मोबाइल नंबर डालकर, ईमेल आईडी डालकर, बहुत सारी चीज़ें डालकर उसमें क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते करते वो क्या करता है, आपका लॉगिन हो जाता है। जरूर एक ना एक आईडी पासवर्ड आपका बना होगा जिसके माध्यम से आप लॉगिन करके उसको चला रहे हैं। उसी तरीका से कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका आईडी ये है और पासवर्ड ये है, या दोस्तों पहले ही दे देता है, आपके मोबाइल पर आईडी आ जाता है और पासवर्ड पहले ही रजिस्ट्रेशन के वक्त ही बोल देता है कि आप पासवर्ड अपने से बना लीजिए, वैसे बन जाता है। कभी कभी ईमेल पर भी भेज देता है आईडी और खुद से अपना आईडी पासवर्ड वहां पर रजिस्ट्रेशन में ही दे देता है कि अपना पासवर्ड क्या बनाना चाहते हैं, क्या बना रखे हैं। तो आईडी तो मैसेज में आ गया ईमेल या मोबाइल पर, और यहां पर पासवर्ड खुद से रजिस्ट्रेशन में ही बना लिए हैं, आपको याद रखना है, अपने कॉपी पर लिख लेना है। अब दोस्तों, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद फॉर्म खुलता है, उसको लॉगिन करते हैं, तो आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करते हैं, पूरी तरीका से आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, जो क्वालिफिकेशन लगेगा वो मांगा जाएगा, जितना रुपए का पेमेंट करना होता है वो आपसे मांगा जाएगा। सारा चीज प्रोसेस करने के बाद आपका पूरी तरीका से फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाती है, और उस तरीका से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यही दोस्तों मेन मकसद किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सर, हमारे इसमें दिक्कत क्या है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर देना है, कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस आपको ध्यान से ये देखना है। अगर पूरी जानकारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को पूरी तरीके से। आप वहाँ से देखने के बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भी हो फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पर लाइव आपको बताने की कोशिश किए हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की।